आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत संसार के एक विरले म्यूजिक डायरेक्टर की। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल क्यों मेरा तड़प रहा है। वो तेरे ही दिल में है प्यार कुछ कुछ, मेरे भी दिल में जरा जरा है। एक ऐसा संगीतकार जिसने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया लेकिन अपना बड़ा नाम किया और लोगों ने उनको दिल दिया। तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से, ओ नैना लड़ गए भोले भाले कैसे दगा बाज से। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बाती संगीतकार जी एस कोहली की। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, हमें नहीं है सभी, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। हिंदी फिल्म संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं पर कामयाबी सबको हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत के संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। उनमें से एक पंजाबी संगीत का रंग है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है। और इसमें एक बड़ा योगदान रहा है जी एस कोहली का। जी एस कोहली का पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह कोहली। उनका जन्म पंजाब में सन 1928 में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थीं। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थी। इनमें से एक थे जी एस कोहली और दूसरे थे ओ पी नैयर। अब आप सोच रहे होंगे कि जी एस कोहली और ओ पी नैयर का क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए नैयर मुंबई पहुंचे। मकसद था संगीतकार बनना। संघर्ष करते हुए यूं हुआ कि निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें मौका दिया फिल्म आसमान में। नैयर जी एस कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जी एस कोहली को अपने साथ लिया। और बस फिल्म आसमान से जी एस कोहली और ओ पी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा। कुछ समझ नहीं आया इस दुनिया की बात।
आसमान में वैसे तो ओपी नैयर का संगीत था और आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली होते थे और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के अरेंजरों में से भी हुआ करते थे। लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी एस कोहली का। ओपी नैयर के कुछ कामयाब गानों की झलक आपने सुनी और ये झलक इसलिए कि इसमें योगदान रहा है बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली का। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर और जीएस कोहली का साथ 1952 में शुरू हुआ और ये 1968 तक चलता चला गया। हालांकि जीएस कोहली स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करना काफी पहले शुरू कर चुके थे। सन 1960 में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में बतौर स्वतंत्र संगीतकार संगीत दिया। ये फिल्म थी लंबे हाथ। कलाकार थे महमूद और नाज और इस फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद रफी की आवाज। प्यार की राह दिखा दुनिया को, प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोक के जो नफरत की आंधी। तुम में ही कोई गौतम होगा, बिगड़े हुए जमाने की तुम लाओगे बहार वापस इस उजड़े वीराने की। देख रहा है ख्वाब जमाना, देख रहा है ख्वाब जमाना, मुर्दा चांद सितारों के। फिक्र करो कुछ तुम दुनिया की, बिगड़ी बात बनाने की, बिगड़ी बात बनाने की। प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोक जो नफरत की आंधी। तुम्हें ही कोई गौतम होगा, होगा गांधी, होगा गांधी। प्यार की राह दिखा दुनिया। इसके ठीक बाद निर्माता जीपी सिप्पी ने जी एस कोहली को बतौर संगीतकार मौका दिया। फिल्म थी मिस्टर इंडिया
और इसके बाद आई फिल्म फौलाद। ये वो फिल्म है जिसके गाने खूब चले थे। यहां एक नए गीतकार की यात्रा शुरू हुई थी और वो गीतकार थे फारूख कैसर। '63 में जी एस कोहली के संगीत वाली सबसे कामयाब फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था शिकारी। फिल्म शिकारी में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर का गाया ये गाना आज इतने बरसों बाद भी आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। आप इस गाने को सुनकर इतने मगन हो जाते हैं कि आपकी गर्दन थिरकने लगती है। सुनिए फारूख कैसर का लिखा ये गाना और ध्यान दीजिए इस गाने में क्लैप सेक्शन और रिदम पर। फिल्म शिकारी के कई गाने काफी लोकप्रिय हुए थे, जैसे आशा भोसले की आवाज में ये नशीला गाना। मोहम्मद रफी की आवाज में ये रूमानी गाना भी था। इस गाने को सुनते हुए
शायद ही कभी हमने ये ध्यान दिया हो कि इसके संगीतकार G.S. कोहली हैं। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, हमें नहीं है सभी, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। फूल भी तुझको फिर सैक्सोफोन की तरंगों पर सवार होकर आती हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, शिकारी फिल्म का ये बेमिसाल गाना। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, तड़प रहा है वो तेरे भी दिल में है प्यार कुछ कुछ, मेरे भी दिल में जरा जरा है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, चार दरवेश और उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड। सन 1965 में आई ये एक स्टंट फिल्म थी, बी ग्रेड की एक फिल्म, लेकिन इसमें गानों की अच्छी खासी गुंजाइश थी। ये वो दौर था जब गीतकार योगेश फिल्म संगीत संसार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में योगेश को G.S. कोहली ने गाने लिखने का मौका दिया था और योगेश का लिखा, मोहम्मद रफी का गाया ये गाना खूब कामयाब हुआ। यहाँ एक दिलचस्प बात, इस गाने में योगेश जी लिखते हैं, माना मेरे हसीं सनम तू रश के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। दरअसल बात यूं थी कि योगेश जी शुद्ध हिंदी में गाने लिखने में यकीन रखते थे और उन्हें एक चुनौती दी गई थी कि क्या वो उर्दू शब्दों के साथ कोई गाना लिख सकते हैं। योगेश जी ने चुनौती स्वीकार की थी और उन्होंने ये गाना रचा था, माना मेरे हसीं सनम तू रश के महताब है। माना मेरे हसीं सनम तू रश के महताब है, पर
तेरा कहाँ जवाब है, माना मेरे हसी सनम, तू रश्क महताब है, पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है, माना मेरे हसी सनम। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना था। नशा रंगीन आँखों का किसे सौगात मेरे बहकती जिंदगी के हाथ किसके हाथ में दे दूँ, मैं किसके हाथ में दे दूँ, नशा संगीत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बतौर अरेंजर उन्होंने जो कमाल ओपी नैयर के रिदम में दिया वो ओपी नैयर के नाम से मशहूर हो गया, उनकी शैली के नाम से मशहूर हो गया। इसलिए जब बतौर स्वतंत्र संगीतकार उन्होंने अपने गाने बनाए तो लोगों ने उन गानों में ओपी नैयर की झलक देखी। लोग ये भूल गए कि जीएस कोहली असल में ओपी नैयर के संगीत के पीछे बैठे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें उनका मोल नहीं मिला। इसलिए जीएस कोहली के गाने सुनते हुए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं नैयर शैली जीएस कोहली की अपनी भी शैली है, कहीं ना कहीं नैयर के गानों में जीएस कोहली का भी पसीना और खून शामिल रहा है, उनकी मेहनत शामिल रही है। अब फिल्म नमस्ते जी का ये गाना सुनिए, साल 1965, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की। ये गाना अज्जान का लिखा हुआ है। बहारो थाम लो अब दिल मेरा महबूब आता है, बहारो थाम लो अब दिल, लता मंगेशकर का गाया ये गाना था। मेरे दो नैना मतवारे इसके लिए बेचैन है चांद सितारे, इसके लिए भीगे है रात मेरे दिल के साथ, बरसा हो प्यार जैसे हो, मेरे दो नैना मतवारे
की आवाज में नमस्ते जी फिल्म का ये गाना सुनिए। हमें क्या जो हर सू हमें क्या जो हर सू उजाले हुए हैं, हमें क्या जो हर सू उजाले हुए हैं कि हम तो अंधेरों के पाले हुए हैं, कि हम तो अंधेरों के हमें क्या जो हर सू उजाले हुए हैं कि हम तो अंधेरों के पाले हुए हैं कि हम तो अंधेरों के। 60 के दशक के मध्य में कुछ और फिल्में आईं जिनमें जी एस कोहली का संगीत था, जैसे नौजवान और संग दिल वगैरह। सन 1969 में आई फिल्म जालसाज, ये जी एस कोहली के संगीत निर्देशन वाली तकरीबन आखिरी फिल्म थी। ये वो दौर था जब ओपी नैयर का जादू भी टूट रहा था। जाहिर है कि जब ओपी नैयर और जी एस कोहली की राहें अलग अलग हो गईं, तो उसके बाद संगीत की एक पूरी शैली नेपथ्य में चली गई। ये वो शैली है जिसे हम ओपी नैयर की मस्त शैली के नाम से जानते हैं, जिसमें ढोलक और तबले का शानदार रिदम है और पंजाबी संगीत की मस्ती है। हमारे सजन घर आए, आए आए सजन घर आए, कहते कोई चांद जाके जाना हो तो जाए। हमारे सजन घर आए, आए आए सजन घर आए, कहते कोई चांद जाके जाना हो तो जाए। हमारे सजन घर आए, आए आए सजन घर आए। 25 जुलाई 1996 को जी एस कोहली ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया, आखिरी सांस ली। जी एस कोहली चले गए, पर रह गए उनके गाने जो हमें जिंदगी में राहें दिखाएंगे। कभी हमें रूमानी एहसास से भर देंगे और कभी हमारे भीतर गम का सागर लहराएगा उनके बनाए गाने सुनकर। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल क्यों मेरा तड़प रहा है, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जी एस कोहली पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले। आज के फनकार।